करते हैं। यूपी में जल जीवन मिशन की हर घर जल योजना ने शनिवार को ग्रामीण परिवारों तक नल से स्वच्छ जल पहुंचाने का 50% आंकड़ा पार कर लिया है। योजना ने आधा सफर पूरा करते हुए 1,33,25,752 ग्रामीण परिवारों तक हर घर जल पहुंचाने की उपलब्धि हासिल कर ली है और करीब 7,99,54,512 ग्रामीणों को योजना के लाभ से जोड़ दिया गया है, जिसके तहत साल 2024 तक 2,66,00,000 से अधिक ग्रामीण परिवारों को नल से स्वच्छ जल प्रदान किया जाना है। भारत सरकार के अधिकारियों ने तेजी से लक्ष्य प्राप्ति की ओर बढ़ रही योगी सरकार की इस उपलब्धि पर बधाई दी है। जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग के प्रमुख सचिव अनुराग श्रीवास्तव ने विभाग के समस्त इंजीनियरों, अधिकारियों और कर्मचारियों को बधाई दी है। साथ ही नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की ओर से राज्य में 1 से 7 जुलाई तक चलने वाले एक नल एक पेड़ अभियान का शुभारंभ शनिवार को जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र सिंह देव ने ग्रामीण महिलाओं को उपहार स्वरूप पौधे भेंट कर राजधानी में स्थित अपने आवास पर किया है। तो देखिए, जल जीवन मिशन को लेकर यह अहम जानकारी सामने आ रही है। ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ जल मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप जल जीवन मिशन के अंतर्गत आज प्रदेश के सभी जनपदों में हर घर जल पहुंचने का कार्य तीव्र गति से आगे बढ़ रहा है। इस कड़ी में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और राज्य के मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी के कुशल प्रबंधन में जल जीवन मिशन एक कीर्तिमान स्थापित किया है। इस अवसर पर इस मिशन में जुटी टीम को और जनता जनार्दन को बधाई देता हूं। ये लक्ष्य कठिन था, फिर भी आज राज्य के अंदर 50% घरों में नल कनेक्शन देने में जल जीवन मिशन सफल रहा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि डबल इंजन की सरकार, नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग की पूरी टीम और जनता के संयुक्त प्रयासों से हम शीघ्र ही उत्तर प्रदेश के प्रत्येक घर में शुद्ध जल पहुंचाने का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल होंगे। अगली खबर का रुख करते हैं।